सो जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं रिटायरमेंट एंड डेथ. सो दो चैप्टर का नाम है यहाँ पे, रिटायरमेंट एंड डेथ. बट इन क्लास 12 वी विल बी टेकिंग बोथ दिस टॉपिक्स टुगेदर. द रीजन बीइंग दैट दोनों का जो इम्पैक्ट है ऑन द पार्टनरशिप फर्म, दोनों सेम रहता है. और दोनों जब ये दो इवेंट्स होते हैं, जब रिटायरमेंट या डेथ ऑफ अ पार्टनर जब होता है, तो बोथ द इवेंट्स में जो हमें करना पड़ता है वो सेम है एज पर द क्लास 12 सिलेबस. बट जब आप हायर क्लास में जाओगे, वेन यू गो टू ग्रेजुएशन एंड ऑल, सो वहाँ पे डेथ में और ज़्यादा ट्रीटमेंट्स होते हैं. देर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू हैव टू, स्पेशली वेन इट कम्स टू द ट्रीटमेंट ऑफ अ लाइफ पॉलिसी ऑफ अ पार्टनर्स. क्योंकि कभी कभी देखा जाता है कि पार्टनर्स लोगों का जॉइंट लाइफ पॉलिसीज भी होता है, तो ये आपके क्लास 12 के सिलेबस में नहीं है. सो ऐसा नहीं है कि रिटायरमेंट और डेथ बिल्कुल सेम है, ऐसा नहीं है. रिटायरमेंट और डेथ में बहुत सारे ट्रीटमेंट्स, कुछ ट्रीटमेंट्स है जिनका अलग अलग ट्रीटमेंट किया जाता है, आइटम्स है अलग अलग, बट जिसके चलते डिफरेंस है वो आपके क्लास 12 के सिलेबस में नहीं है. तो इसीलिए ये दोनों टॉपिक को हम लोग एक साथ लेकर के पढ़ सकते हैं, ठीक है? तो ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना कि ये दोनों को हम लोग एक साथ पढ़ रहे हैं, बल्कि दो अलग अलग टॉपिक है. हाँ, टॉपिक एकदम अलग है, बट अभी 12 के सिलेबस के हिसाब से ट्रीटमेंट लगभग सेम होगा, और जो हल्का फुल्का डिफरेंस है वो हम आपको करवा देंगे. सो विल स्टार्ट विद द रिटायरमेंट फर्स्ट, लेट्स एंड देन विल गो टू द डेथ. व्हाट इज द रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर? वेरी सिंपल, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर का मतलब होता है जब पार्टनर पार्टनरशिप फर्म से रिटायर कर जाता है, जब पार्टनर उस रिलेशनशिप में, जिस रिलेशनशिप में वो बंधा हुआ था, जिस रिलेशनशिप का नाम था पार्टनरशिप, जब उस रिलेशनशिप को वो छोड़ करके चला जाता है, वॉलेंटरली छोड़ सकता है या कभी कभी उसको निकाला भी जा सकता है, राइट? अगर निकाला जाएगा तो रिटायरमेंट नहीं होगा. अगर रिटायरमेंट है तो इसका मतलब उसने वॉलेंटरली अपने इच्छा से फर्म को छोड़ करके गया है. क्या कारण हो सकता है, किस कारण से वो रिटायर करेगा, उस कारण पे हमको नहीं जाना है, राइट? वो दैट पार्टनरशिप फर्म इज वॉलेंटरी एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स, सो दे कम वॉलेंटरली, दे गो वॉलेंटरली, सो देर इज नो रिस्ट्रिक्शन. अगर एक पार्टनरशिप एट विल है, तो जब तक उसका इच्छा है, जब तक वो एक पर्टिकुलर काम करने तक के लिए रहना चाहता है, तब तक वो रह सकता है. जब उसकी इच्छा नहीं है, जब उसको रहना और नहीं चाहता है रिलेशनशिप में, तो वो जा सकता है. सो इट इज प्योरली वॉलेंटरली. सो वी आर नॉट गोइंग टू वेस्ट सो मच ऑफ टाइम इन डिस्कसिंग दैट वाई अ पार्टनर विल रिटायर फ्रॉम द फर्म. वी विल रादर डिस्कस दैट वॉट हैपन्स वेन अ पार्टनर रिटायर्स फ्रॉम द फर्म. हमारा कंसर्न वो रहेगा कि जब एक पार्टनर पार्टनरशिप फर्म को छोड़कर जाता है, तो उस दिन हमें क्या क्या करना पड़ता है, हमें क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स करने पड़ते हैं, दैट इज आर मेजर कंसर्न, राइट? सो लेट स्टार्ट विथ वॉट आर द थिंग्स दैट वी आर सपोज टू डू एट द टाइम वेन अ पार्टनर रिटायर्स फ्रॉम द फर्म. द मेजर थिंग, द वन एंड ओनली थिंग बेसिकली, अगर हम बोलेंगे जो आपको करना है जब एक पार्टनर रिटायर होता है फर्म से, वो है कैलकुलेशन. कैलकुलेशन ऑफ वॉट? कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ड्यू टू और ड्यू फ्रॉम आउटगोइंग पार्टनर. पार्टनर या पार्टनर्स भी हो सकते हैं, कभी कभी एक से ज्यादा पार्टनर रिटायर कर सकते हैं एक बार में. सो जब एक पार्टनर फर्म छोड़ करके जाता है, तो तुम्हारा सबसे पहला काम और आखिरी काम यही एक काम है, और कुछ नहीं करना है. हमारा काम सिर्फ यही है कि हमें कैलकुलेट करना है कि जो पार्टनर फर्म छोड़ करके जा रहा है उससे कितना पैसा लेना है या उसको कितना पैसा देना है. मतलब बेसिकली जब एक पार्टनर फर्म छोड़ करके जाएगा, तो उसका साथ और फर्म का और उसके साथ जो एक हिसाब है, वो हिसाब को क्या कर लेना है, हमें सेटल कर लेना है. बहुत सिंपल सा चीज है. अगर आज कोई बच्चा बोलता है कि हम एकेडमी छोड़ करके जाएंगे, सो ऑब्वियसली एकेडमी सबसे पहले ये देखेगा कि एकेडमी और उस बच्चा के साथ कोई तो किसी तरह का कोई ट्रांजैक्शन ड्यू या कोई हिसाब तो बाकी नहीं है. जहां तक वो पढ़ा है वहां तक का फीस तो दे दिया है, या अगर उसने एडवांस फीस करके दे करके रखा हुआ है और वो पहले छोड़ करके जा रहा है, तो उसको क्या फीस वापस करना है? ऑल दो वी डू नॉट हैव एनी रिफंड पॉलिसी, बट स्टिल आई एम जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक्सप्लेनेशन, कि उसको फीस वापस करना है कि क्या करना है. सो ऑल दिस थिंग्स हैज टू बी वॉट डिस्कस.
सो उसी तरह जब एक फर्म से पार्टनर छोड़ करके जाता है तो फर्म भी यही करेगा. वेरी सिंपल, वी डू नॉट नीड टू मेक इट वेरी कॉम्प्लेक्स. फर्म भी यही करेगा कि भैया कैलकुलेट करेगा, पार्टनर को बोलेगा भाई जाने का पहले चल अपने हिसाब कर लेते हैं कि किसको किससे कितना पैसा मिलेगा. सो दैट इज व्हाई आई हैव रिटन हियर कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ड्यू टू और फ्रॉम आउटगोइंग पार्टनर, राइट. सो अब जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि एक पार्टनर जब फर्म छोड़ करके जाएगा तो उसको कितना अमाउंट दिया जाएगा, ये कैलकुलेशन एक प्रोसेस है. और इसमें क्या क्या चीज ऐड होगा, क्या क्या चीज लेस होगा, इसका हिसाब हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे. तो सबसे पहला चीज, जब एक पार्टनर फर्म छोड़ करके जाता है तो सबसे पहला चीज जो वो डिमांड करेगा वो है उसका कैपिटल. उसका कैपिटल जो उसने फर्म में इन्वेस्ट करके रखा है एज पर द लास्ट बैलेंस शीट, उसका रिटायरमेंट से ठीक पहले, उसका रिटायरमेंट से ठीक पहले जो लास्ट बैलेंस शीट बना है, राइट, उस बैलेंस शीट के अनुसार जो कैपिटल का बैलेंस है वो कैपिटल वो पार्टनर क्या करेगा, क्लेम करेगा. करेगा कि नहीं करेगा, समझ में आ रहा है. सो देयरफॉर व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग, जब हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं कि अच्छा फलाना पार्टनर जा रहा है, उसका अमाउंट कैलकुलेट करते हैं उसको कितना कितना पैसा मिलेगा, तो देयरफॉर इन दैट सिचुएशन सबसे पहला चीज जो आता है उसका आता है कैपिटल. कैपिटल एज पर लास्ट बैलेंस शीट. बेटा किसका कैपिटल बात कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं सिर्फ आउटगोइंग पार्टनर का जो कैपिटल है उसका कैपिटल बैलेंस शीट, लास्ट बैलेंस शीट जो बना था उस बैलेंस शीट में उसका कितना कैपिटल दिख रहा है, वो कैपिटल पहले हमको कैलकुलेट, वो कैपिटल उसको मिलेगा. सो फर्स्ट हो गया, वो अपना कैपिटल लेकर के जाएगा. सेकंड बताओ और वो क्या लेगा, जब उसके साथ हिसाब करेंगे तो वो अपना कैपिटल वापस मांगेगा दोबारा. वो दूसरा वो क्या चीज मांग सकता है, क्या मांग सकता है दूसरा, दूसरा चीज वो मांग सकता है शेयर इन गुडविल. जब एक पार्टनर का एडमिशन हुआ था तो आपको याद होगा एडमिशन में हम लोगों ने किया था, जब एक नया पार्टनर आता था तो वो गुडविल में हिस्सेदारी लेने के लिए एक प्रीमियम का अमाउंट लेकर के आता था. पुराने पार्टनर के द्वारा बनाया गया वह गुडविल में हिस्सेदारी लेने के लिए, राइट, पुराने पार्टनर या सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के द्वारा जो सैक्रिफाइस किया गया है शेयर, उस सैक्रिफाइस को कॉम्पेंसेट करने के लिए नया पार्टनर एक प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर के आता था. एज रिटायरमेंट एक पार्टनर आ नहीं रहा है बल्कि पार्टनर फर्म छोड़कर जा रहा है, तो जब एक पार्टनर छोड़ के जाता है ना तो वो अपना हिस्सा का गुडविल छोड़ के जाता है. क्योंकि जब फर्म का रेपुटेशन बन रहा था, जब फर्म का अच्छा नाम क्रिएट हो रहा था, तो उस रेपुटेशन और उस अच्छा नाम में, इन शॉर्ट गुडविल पे, वो भी पार्टनर का कॉन्ट्रीब्यूशन था जो पार्टनर जा रहा है. सो द पार्टनर इज लिविंग द फर्म, जो आउटगोइंग पार्टनर है वो भी पार्टनर का कॉन्ट्रीब्यूशन था, वो भी तो मेहनत किया था, वो भी तो काम किया था. तो आज जब वो फर्म छोड़ करके जाएगा, चला जाएगा, तो उसके द्वारा क्रिएट किया गया वह गुडविल और उस गुडविल के चलते जो फ्यूचर में आने वाला है प्रॉफिट, उस प्रॉफिट को वो पार्टनर इंजॉय करेंगे जो पार्टनर रह गया, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है, जो रिमेनिंग पार्टनर है. हाँ या ना? सो जो पार्टनर फॉर्म छोड़ करके जा रहा है उसने अपना मेहनत को पीछे छोड़ कर गया, उसने अपने मेहनत से अच्छा जो नाम बनाया उस अच्छा नाम को छोड़ करके गया. सो देयरफॉर इट विल बी अनजस्टिफाइड अगर इसके लिए आउटगोइंग पार्टनर को कॉम्पनसेट ना किया जाए. समझ में आ रहा है? जैसे एडमिशन में जब एक नया पार्टनर आता था तो पुराने पार्टनर को अपना शेयर सैक्रिफाइस करना पड़ता था, तब जाकर के नया पार्टनर को उसका शेयर मिलता था, इसलिए नया पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को कॉम्पनसेट करते थे. आज यहां एक पार्टनर फॉर्म छोड़कर जा रहा है, आज वो सैक्रिफाइस कर दिया, देखोगे तो वो अपना शेयर क्या हो गया, छोड़कर चला गया. सो सिंपल सी चीज है, अगर मान लो ये फर्म का प्रॉफिट है, वही हमारा पुराना एप्पल आ गया, और तीन पार्टनर है यहां पे ए बी सी, तो सी अगर फर्म छोड़कर जा रहा है तो बहुत ही स्वाभाविक है कि ये जो हिस्सा है प्रॉफिट का, अब ये हिस्सा प्रॉफिट को कौन एंजॉय करेंगे, रिमेनिंग पार्टनर्स एंजॉय करने वाले हैं, राइट, इनको तो फायदा हुआ, ये तो अपना शेयर छोड़कर चला गया, सो इनको तो कंपनसेट करना पड़ेगा.
सो इसको कंपनसेट कैसे करेंगे? वही गुडविल के माध्यम से, क्योंकि फ्यूचर में जो प्रॉफिट होगा, फ्यूचर में जो फर्म प्रॉफिट कमाएगा, वो आज जो फर्म का गुडविल है, उस गुडविल के चलते फ्यूचर में बिजनेस को प्रॉफिट होगा आने वाला 2 साल 3 साल 4 साल तक। और आज जो गुडविल फर्म का खड़ा है, उस गुडविल में इस आउटगोइंग पार्टनर का भी एक कॉन्ट्रीब्यूशन था, वो भी मेहनत किया था। सो देयरफॉर जब एक पार्टनर जाएगा, तो आज जिस दिन वो पार्टनर रिटायर कर रहा है, उस दिन जो फर्म का गुडविल का वैल्यू है, उस दिन जो फर्म का गुडविल का वैल्यू है, उस गुडविल में अपना हिस्सा वो लेकर चला जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? आई एम टॉकिंग अबाउट अ सेल्फ जनरेटेड गुडविल। जो गुडविल हम लोग ने 4 मेथड से कैलकुलेट करना सीखा था, याद है, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। सो ये सब हमको दोबारा नहीं कर रहा, बिकॉज हम लोग ने एडमिशन ऑलरेडी कर लिया है। सो दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन एडमिशन एंड रिटायरमेंट। इन एडमिशन, अ न्यू पार्टनर इज कमिंग इन, इज ब्रिंगिंग द प्रीमियम फॉर गुडविल। इन हियर, व्हेन अ पार्टनर इज लीविंग द फर्म, ही विल बी टेकिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल। दैट इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन एडमिशन एंड रिटायरमेंट इन क्लास 12। सो जिसका एडमिशन चैप्टर बढ़िया से किया, उसको रिटायरमेंट में प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि लगभग वही चीज तुम देखोगे आगे, सब चीज सेम है। सो देयरफॉर द सेकंड थिंग द आउटगोइंग पार्टनर विल गेट इज नथिंग बट इट इज शेयर इन गुडविल ऑफ द फर्म। करेक्ट? नाउ द क्वेश्चन इज, हु विल गिव द शेयर of goodwill, a share of goodwill to outgoing partner। तो जो ये पार्टनर फॉर्म छोड़ करके जा रहा है, वो बोला कि भैया मेरा शेयर ऑफ गुडविल दे दो। तो क्वेश्चन उठता है कि उसका उसका शेयर ऑफ गुडविल देगा कौन? तो उसका शेयर ऑफ गुडविल कौन देगा? सोचो, कॉमन सेंस लगाओ। नॉट रिमेनिंग पार्टनर, गेटिंग पार्टनर, नॉट सैक्रीफाइसिंग। सैक्रीफाइस एडमिशन में से, यहां तो क्या हो रहा है, दे विल सैक्रीफाइस, ए और बी सैक्रीफाइस, ए विल। सो नाउ देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज राइट नाउ। इफ सी लीव्स द फर्म, सीज एंटायर शेयर विल बी टेकन ओवर बाय बी, पॉसिबिलिटी 1। सीज एंटायर शेयर विल बी टेकन ओवर बाय ए, पॉसिबिलिटी 2। सीज एंटायर शेयर विल बी टेकन बाय ए एंड बी बोथ, पॉसिबिलिटी 3। सो देर आर 3 पॉसिबिलिटीज। अगर कोई एक पार्टनर लेकर गया, सो देर विल बी नो गेनिंग रेशियो, देर विल बी नो रेशियो। बट अगर एक से दो, अगर यहां पर जैसे 2 पार्टनर बच गए, अगर ये दोनों पार्टनर ने सी का शेयर ले लिया, सो बोथ ऑफ देम आर गेनिंग पार्टनर्स, एंड द रेशियो इन विच द रिमेनिंग पार्टनर टूक ओवर द शेयर ऑफ आउट गोइंग पार्टनर इज कॉल्ड व्हाट? गेनिंग रेशियो। सो देयरफॉर जब फर्म से सी छोड़कर के चला जाएगा, तो सी का जो शेयर ऑफ गुडविल है, वो शेयर ऑफ गुडविल सी को कौन देगा? गेनिंग पार्टनर्स देगा। क्योंकि टेक्निकली तुम समझो, सी जो अपना गुडविल, अपना मेहनत से बनाया हुआ रेपुटेशन को जो छोड़ के जा रहा है, जो वो शेयर ऑफ प्रॉफिट छोड़ के जा रहा है, वो तो वो पार्टनर एंजॉय कर रहा है ना, जो पार्टनर उसका शेयर को ले लिया। सो देयरफॉर सी को जो कंपनसेट भी किया जाएगा, सी को जो शेयर ऑफ गुडविल भी दिया जाएगा, वो कौन देगा? वही पार्टनर देगा जो उसका शेयर को लिया है। समझ में आ रहा है? सो देयरफॉर द सेकंड थिंग दैट अ न्यू आउटगोइंग पार्टनर विल गेट इज शेयर ऑफ गुडविल इन ऑफ द फर्म, शेयर इन द गुडविल ऑफ द फर्म। और कौन देगा उसको, ये भी मैंने आपको बता दिया। इसका आंसर है गेनिंग पार्टनर्स। कौन देगा? गेनिंग पार्टनर्स। यू विल नेवर से रिमेनिंग पार्टनर्स, बिकॉज इट इज नॉट नेसेसरी कि जो रिमेनिंग है वो गेन करेगा। सो इट इज गेनिंग पार्टनर्स। इन व्हाट रेशियो? इन गेनिंग रेशियो। समझ में आया? क्लियर है? सो दिस इज द सेकेंड थिंग दैट अ पार्टनर विल गेट जब हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं of amount due to or from outgoing partner। और क्या मिलेगा बताओ तो उनको? वेरी गुड, शेयर इन accumulated प्रॉफिट एंड losses। एकदम सेम पिगी बैंक हम वापस से निकालेंगे जो हमने एडमिशन में निकाला था। अगर मान लो 3 पार्टनर एबीसी, इस 3 पार्टनर ने इस पिगी बैंक में पैसा जमा कर रहे थे, तो कल को जब एक पार्टनर फॉर्म छोड़ करके जाएगा, तो इस पिगी बैंक को भूल जाएगा क्या वो? एक बिल्कुल भी नहीं बोलेगा। वो क्या बोलेगा? मेरा शेयर जो इसमें हमको दे देना भाई। हाँ या ना?
सो देयरफॉर वो क्या करेगा, अपना शेयर ऑफ गुडविल, सॉरी अपना शेयर ऑफ शेयर इन द प्रॉफिट्स और लॉसेस ऑफ द फर्म, जो भी है, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट भी हो सकता है, एक्युमुलेटेड लॉस या रिजर्व्स। सो द थर्ड थिंग दैट द आउटगोइंग पार्टनर विल गेट इज शेयर इन एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स लॉसेस रिजर्व्स और जो स्पेशल फंड्स बनाते थे हम लोग, याद है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, कंटिंजेंसीज फंड था, इस सब फंड में भी हिस्सेदारी, इस सब फंड को भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। सो देयरफॉर देखो कितना सब कितना सिंपल है चीज, बहुत सिंपल है, हमको करना है एक चीज, हमको सिर्फ करना क्या है, जब एक पार्टनर फर्म छोड़ के जा रहा है, हम चाहे तो तुम लोग को, हमको, हम लोग ऐसे भी डिस्कस करते थे, ऐसा भी कर सकते थे, व्हाट आर द थिंग्स दैट वी आर सपोज टू डू एट टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, सो दैट इज ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स। सो इस एंगल से मत देखो, तुम ये वाला एंगल से देखो कि जब एक पार्टनर फॉर्म छोड़ के जा रहा है तो हमें करना क्या, हमें कैलकुलेट करना है कि उसको कितना पैसा मिलेगा, और उस कैलकुलेशन करने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, गुडविल चाहिए, क्योंकि उसको शेयर ऑफ गुडविल मिलेगा, उसको शेयर इन रिजर्व्स मिलेगा, उसको उसका कैपिटल मिलेगा। तो ये सारे स्टेप्स है, ये सारे वो कंपोनेंट्स है जिन्हें मिलाकर एक अमाउंट का कैलकुलेशन होगा जो नया, जो आउटगोइंग पार्टनर लेकर के जाएगा, समझ में आया। सो ये तीन बेसिक है, इसके अलावा बताओ, इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज छोड़ रहे हम लोग, वेरी गुड, रिवैल्यूएशन। जब एक एडमिशन होता था नया पार्टनर का, तो पुराने पार्टनर अपने एसेट और लायबिलिटीज को क्या करते थे, रिवैल्यू, और उस रिवैल्यूएशन से होने वाला प्रॉफिट और लॉसेस को पुराने पार्टनर ही आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते थे, नया पार्टनर को कोई शेयर। अब ध्यान से सोचो, मान लो ये एक सोना का बोतल है, एकदम प्योर गोल्ड का बोतल है, और तीन पार्टनर थे ABC, राइट, वो पार्टनर्स ने, मतलब वो फर्म ने इस बोतल को खरीदा था, एक एसेट इन्वेस्टमेंट किया था सोना का बोतल पे, 10,00,000 रुपया में ये बोतल खरीदा था, आज जब 2-3 साल पहले, आज जब एक पार्टनर रिटायर कर रहा है, तो इस बोतल का वैल्यू अब 15 लाख हो गया है, 10 से बढ़कर 15 लाख रुपया हो गया है। तो तुम दिमाग लगाओ कि जो पार्टनर फर्म छोड़ करके जा रहा है वो ये बात को नजरअंदाज कर देगा कि 10 लाख का चीज जो हम लोग खरीदे थे आज 15 लाख का हो गया है, क्या उसको इग्नोर करेगा? देखो एडमिशन में हम लोग जो रिवैल्यूएशन करते थे वहां पे लॉजिक अलग था कि पुराने पार्टनर ने जो एसेट्स में, जो एसेट्स आया था वो पुराने पार्टनर के समय में आया था, जो लाइबिलिटीज जेनरेट हुई थी वो पुराने पार्टनर्स के समय में हुई थी। तो अगर किसी भी तरह का एसेट और लाइबिलिटी का वैल्यू में बढ़ोतरी होता है, राइट, या डिक्रीज होता है, तो वो इंक्रीज और डिक्रीज के चलते जो भी मुनाफा नुकसान हुआ है वो पुराने पार्टनर को मिलना चाहिए, नया पार्टनर को उसमें शामिल नहीं करना चाहिए। ये अलग, ये एडमिशन के समय का लॉजिक था। रिटायरमेंट में लॉजिक अलग है कि जब ये इन्वेस्टमेंट हुआ, जब एसेट्स खरीदा गया, जब लाइबिलिटी जनरेट हुआ, तो उस समय में यह भी पार्टनर शामिल था जो पार्टनर आज फॉर्म छोड़ करके जा रहा है। आज फॉर्म का लाइबिलिटी बढ़ गया और ये बोल रहा हम जा रहे हैं छोड़ करके, तो होगा नहीं, जब तुम सुख में था तो दुख में भी तुमको शामिल होना पड़ेगा। सो देयरफॉर जब एक पार्टनर फॉर्म छोड़ करके जाता है तो ये रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटी करना जरूरी है, क्योंकि जैसे हम लोग ने डिस्कस किया था एडमिशन के समय में कि एसेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यू फ्लक्चुएट करती है, और उस फ्लक्चुएशन के कारण मुनाफा या नुकसान दोनों होने का संभावना है, प्रॉफिट या लॉस दोनों हो सकता है। सो उस प्रॉफिट और लॉस में उस पार्टनर का भी हिस्सा है जो पार्टनर अभी फॉर्म छोड़कर जा रहा है, इसीलिए हमें रिवैल्यूएशन फिर से करना जरूरी है। एडमिशन में क्यों करते थे उसका कारण अलग था, रिटायरमेंट में क्यों कर रहे उसका थोड़ा सा एंगल सोचने का अलग है। दोनों समझ में आया कि नहीं आया? रिटायरमेंट में क्यों करना पड़ रहा रिवैल्यूएशन समझ में आया कि नहीं आया? करेक्ट। सो देयरफॉर शेयर इन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। अब तुम बताओ, अभी तक तुमको कुछ अलग लगा एडमिशन से? सो वॉट एवर यू आर डूइंग एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, सेम थिंग यू आर सपोज टू डू हियर ओनली, हियर ऑल्सो। सो फॉर दैट
रिवैल्यूएशन अकाउंट फिर से बनाना पड़ेगा। रिवैल्यूएशन कैसे बनता हम लोग सीखे हुए हैं, कुछ अलग करने का जरूरत, जैसे बनता था वैसे ही बनेगा। हाँ, एडमिशन के समय में रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉसेस पुराने पार्टनर के बीच में करीब बटता था, नया पार्टनर को शामिल नहीं किया जाता था। यहां पे सारे पार्टनर्स के बीच में बटेगा, जो पार्टनर जा रहा है उसके बीच में भी बटेगा। गुडविल का वैल्यूएशन हम लोग ने किया हुआ है, करने की जरूरत नहीं है, बस उसमें आउटगोइंग पार्टनर का शेयर निकालो और वो शेयर को गेनिंग पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। एडमिशन में सैक्रिफाइसिंग थे, यहां पे गेन है और उसको कैपिटल मिलेगा। सो ये चार अभी आपका कंपोनेंट्स हो गया। तो जब एक पार्टनर फर्म छोड़ करके जाएगा तो पहला चार चीज जो वो मांगेगा, वो बोलेगा भैया मेरा कैपिटल वापस कर, मेरा शेयर इन गुडविल दे दे भाई, मेरा जो रिजर्व्स में हिस्सा वो मेरे को दे दो, और चलो फिर से एसेट और लायबिलिटी की रिवैल्यू करो और जो मुनाफा होता है उसमें मेरा हिस्सा दे दो। तो ये चार चीज तो वो पहले मांगेगा। अब इसके अलावा ऋषभ और क्या क्या हो सकता है? इसके अलावा अगर एक पार्टनर इज इंटाइटल टू गेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा जब तक वो फर्म में है तब तक का इंटरेस्ट। अगर सैलरी है तो जब तक है फर्म में तब तक का सैलरी मिलेगा। शेयर इन प्रॉफिट्स, जब तक वो फर्म में है तब तक उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट। एग्जाम्पल के तौर पर बताते हैं, मान लो एक पार्टनर, हम लोगों का फाइनेंशियल ईयर है अप्रैल टू मार्च, पार्टनर रिटायर करता है 1 जुलाई को। कब रिटायर करता है? सो 1 जुलाई जब वो रिटायर किया तो हम लोग चेक करेंगे कि 1 जुलाई का पहले जो लास्ट बैलेंस शीट बना कितना कैपिटल था, वो कैपिटल मिल जाएगा। 1 जुलाई को फर्म को गुडविल क्या है उसका शेयर मिल गया। 1 जुलाई को हम रिवैल्यूएशन करेंगे, उसका रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस का हिस्सा मिल गया। एज ऑन 1 जुलाई जब रिटायर कर रहा उसके पहले जो बैलेंस शीट में जो रिजर्व वगैरह पड़ा हुआ है वो रिजर्व में हिस्सा उसको दे दिए। अब एक चीज सोचो, अरे भाई वो अप्रैल में जून 3 महीना तो फर्म में था, जब वो 3 महीना फर्म में था तो उस 3 महीना फर्म तो कुछ तो कमाया होगा, हाँ या ना? उस 3 महीना फर्म तो कुछ तो कमाया होगा, भले ही मैं उस समय बैलेंस शीट और सॉरी ट्रेडिंग और पीएल प्रॉफिट लॉस अकाउंट नहीं बना रहा हूं, प्रॉफिट लॉस अकाउंट साल के अंदर बनेगा। लेकिन प्रॉफिट का कैलकुलेशन साल के अंत में होता है, लेकिन प्रॉफिट तो साल भर कमाया जा रहा है ना। सो देवर अगर वो 3 महीना भी फर्म में रह करके गया है तो उस 3 महीना का भी प्रॉफिट का हमें क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करके उसको देना पड़ेगा। वो कैसे होगा देखेंगे हम लोग, बात की बात है, जस्ट अभी आपको कोई बताने के लिए आपको बता दिए कि इन चारों के अलावा उसको और क्या क्या मिल सकता है, राइट? अच्छा, क्या क्या उसे डिडक्ट होगा? अगर उसने कोई ड्रॉइंग्स करके रखा हुआ है तो वो ड्रॉइंग्स माइनस होगा, उसे ले लिया जाएगा। अगर जिस दिन वो फॉर्म छोड़ करके जा रहा है अगर उस दिन वो किसी तरह का एसेट टेक ओवर कर लिया, अपने साथ एसेट लेके गया, तो उसकी वैल्यू से क्या हो जाएगी, डिडक्ट हो जाएगी। सो देखो काम बहुत साफ सुथरा है, तुम इसको ना ऐसा चैप्टर मत पढ़ो, तुम ये सोचो कि तुम्हारा फर्म है और तुम उस फर्म के एक पार्टनर हो और कोई भी 3 फ्रेंड्स को इमेजिन कर लो इंक्लूडिंग योरसेल्फ, और सोचो कि तुम अगर रिटायर करते फर्म से, तुम अगर फर्म छोड़कर के जाते तो क्या ऐसे टाटा बाबे गुड्डे और हक करके गला वाला मिलकर चल जाते? ऐसा तो होता नहीं, वो इमोशनल फेयरवेल होता, एक अकाउंटिंग फेयरवेल भी होगा। सो तुम क्या करते, तुम क्या क्या लेकर जाते, तुम क्या क्या फॉर्म से मांगते, सोचो। जब तुम सोचोगे तुमको ये जवाब मिलेगा। इसके लिए हमको तुमको ये चैप्टर पढ़ाने की जरूरत नहीं है। अगर तुम बिना चैप्टर पढ़े भी पार्टनरशिप फॉर्म में रहते, धंधा कर रहे होते पार्टनरशिप में, तो एग्जैक्टली तुम यही करता अगर तुम फॉर्म से रिटायर करता तो। सो दीज आर द 4 इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट will be included in calculating the amount which will be due to or from an outgoing partner. So basically करना हमको एक ही चीज था, यही करना है। ये एक चीज को करने के लिए हमको ये सब करना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया? इसका calculation करने के लिए हमको ये 4 चीज करना पड़ रहा है। Is it okay? कोई दिक्कत? So ये as a brief introduction है। इसके अलावा we'll cross the bridge as it will come। जैसे जैसे समय हम लोग आगे बढ़ेंगे, चैप्टर में आगे बढ़ेंगे, कुछ अगर नया चीज देखेंगे तो हम लोग देखते हैं कैसे क्या करना है। क्लियर है? ये इसमें कोई किसी को कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी तकलीफ, हाँ,
इसको करते हैं कॉपी, उसके बाद हम लोग सबसे पहला चीज आज करेंगे, सीखेंगे कैलकुलेशन ऑफ न्यू पीएसआर, क्योंकि जब ये पार्टनर फर्म छोड़ करके जाएगा तो क्या होगा, पीएसआर सबसे पहला इफेक्ट किसमें पड़ेगा, पीएसआर में पड़ेगा। तो आप वहां से स्टार्ट करेंगे एंड देन विल स्लोली स्लोली ग्रेजुअली मूव विल मूव ऑन।